अब तक का सबसे बड़ा मुअम्मा, फाउंडेशन को सेलेक्ट करना, फाउंडेशन के शेड को सेलेक्ट करना, पर हमें तो आता ही नहीं। फुल गाइड होगी आज फाउंडेशन सिलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मेकअप की क्लास डे 4 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज तक मुझे जितने भी मैसेजेस रिसीव हुए हैं ना, वो इसी बारे में होते हैं कि बेस जो है ना वो फेस पे मैच नहीं करती, ग्रे हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। हम इतने फाउंडेशन ले लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता, ज़ाया हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो किस तरह से फाउंडेशन को सेलेक्ट करना है, किस तरह से जानना है स्किन टोन को, अंडर टोन को, वो सब गाइड करूँगी आज की क्लास इसी बारे में। तो प्लीज़ बहुत ही गौर से देखिएगा, और इसी क्लास की जो है वो 3-4 पार्ट होने वाले हैं, क्योंकि फाउंडेशन जो एक बहुत ही लेंथी टॉपिक। सो आज की वीडियो में प्रेजेंट नहीं लिखना, बल्कि जो क्वेश्चन मैं एंड में पूछूंगी उसका जवाब देना। सो हाउ टू सेलेक्ट राइट शेड ऑफ फाउंडेशन, किस तरह से आपको पता चले कि आपका अपना शेड क्या है। आपको अपने शेड का तो पता होना चाहिए ना, आपका शेड क्या है। तो दो चीजें होती हैं, वो मेन होती हैं। एक होता है आपका स्किन टोन, उसके बाद जो होता है आपका अंडरटोन। अंडरटोन क्या होता है, स्किन टोन क्या होता है, ये एग्जांपल देके समझाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें जानना होता है इन दोनों चीजों के बारे में। अगर आप अंडरटोन का नहीं जानते तो आपका स्किन टोन भले ही से कैसा भी हो, फाउंडेशन कभी भी मैच नहीं करेगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जानना है इन दोनों चीजों को। अब यहाँ पे एग्जांपल है, ये एक फेस है, ठीक है। ये जो इसकी बाहर की स्किन है ना, बाहर की स्किन है, इसको हम कहते हैं स्किन टोन, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो एक लेयर होता है ना, उसको हम कहते हैं अंडरटोन। यानी कि जो हमें स्किन बाहर से नज़र आ रही होती है ना, वो हमारी स्किन टोन होती है। लेकिन जो अंदर से रिफ्लेक्ट करती है, वेदर आप येलो टोन में हो, पिंक में हो, उसको हम कहते हैं अंडरटोन। अगर आपने अंडरटोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन नहीं ली, तो भले से फाउंडेशन आपके फेस पे लग के गायब हो जाए, बस वो जो है ना आपके फेस पे अजीब सी लगती है, आपके फेस जैसी नहीं लगती, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि अंडरटोन कितने टाइप के होते हैं। जो अंडरटोन्स होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है वार्म अंडरटोन, ठीक है, उसके बाद होता है जी कूल अंडरटोन, उसके बाद हो जाए जी न्यूट्रल या फिर ऑलिव अंडरटोन, ठीक है। अच्छा, वार्म अंडरटोन जिनकी होती है ना, उनका जो अंडरटोन होता है वो गोल्डन या फिर येलो होता है, ठीक है। ये कैटेगरी ज़्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी इसमें ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस वजह से ज़्यादातर यहाँ के लोग वार्म अंडरटोन को, जिस तरह से सन का कलर होता है ना येलो, बिल्कुल वैसे। अच्छा, एक दूसरा आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि आपकी जो वीन वो मोस्टली ग्रीन होंगी। वो मैं बताती हूँ आप किस तरह से जो है अपनी वीन्स को चेक कर सकते हो कि आप कौन से अंडरटोन के हो, ठीक है। उसके बाद जी बारी आती है कूल अंडरटोन की। ये वो लोग होते हैं जिनका जो अंडरटोन होता है वो पिंक या फिर बेज होता है, ठीक है। आप देखोगे किसी भी लड़की को, आप देखोगे ना, तो उसकी स्किन पे एक पिंकी पिंकी सा होगा स्किन, ठीक है। वाइट भी होगी, वो पिंकी पिंकी सी हो, भले इसे वाइट ना भी हो, पर उनका ना एक पिंक ग्लो होगा फेस पे, वो जो अंडरटोन होगा ना वो रिफ्लेक्ट करता है। ये जो वीन्स होती है ना, मोस्टली जो इनकी वीन्स हैं वो जो है वो ब्लू या फिर पर्पल होती है। और ये जो कूल अंडरटोन के लोग होते हैं ना, ये ज़्यादातर सर्द इलाकों में रहते हैं, जहाँ पे बहुत गर्मी नहीं होती ज़्यादा, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे होती है, ठीक है ना, सर्दियों वाला इलाका, जैसे गिलगित हो गया, कश्मीर हो गया, जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। अब जो न्यूट्रल अंडरटोन की कैटेगरी में आते हैं, ये वार्म और कूल दोनों का ही बच्चा है समझ ले, मतलब इनमें पिंक भी होता है और येलो भी होता है स्किन में, और इनकी जो वीन्स होती हैं ब्लू ग्रीन दोनों होती हैं, सही है। और इस कैटेगरी में के लोग कहीं भी मिले जाते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, यूएस, हर जगह में, मतलब न्यूट्रल स्किन टोन मिल जाता है, सही है। और जो ऑलिव अंडरटोन होती है, उनकी स्किन ग्रीन और ब्राउनिश टाइप की होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ना क्या करना है, इस तरह से अपना देखना है, रिस्ट को देखना है, और यहाँ पे आपके जो वीन्स हैं, आपके जो रगे हैं, उनका जो कलर है ना, वो ही आपको बताएगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। मैं लाइटनिंग में दिखा रही हूँ, लेकिन वैसे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जब धूप में इसको देखेंगे ना, तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि आपका अंडरटोन कौन सा है, ठीक है। अगर आपका अंडरटोन वार्म है, तो आपकी जो रगे होंगी वो मोस्टली ग्रीन होंगी, ठीक है। अगर आपका कूल है अंडरटोन, तो आपका मोस्टली जो वीन का कलर होगा वो ब्लू होगा, ठीक। और अगर आप न्यूट्रल अंडरटोन में आते हैं, तो मिक्स होगा ब्लू और ग्रीन, पर्पल, इस तरह, मतलब मिक्स होगा, कोई एक कलर नहीं होगा, सही हो गया जी।
अच्छा, अब जो ऑलिव अंडरटोन के लोग होते हैं ना, न्यूट्रल और ऑलिव सेम ही होता है काइंड ऑफ, क्योंकि इनमें जो है ना दोनों चीज़ें होती हैं, जैसे वार्म में होता है और कूल में होता है ना, वैसे ही ऑलिव और न्यूट्रल एक ही है। बस फ़र्क ये है कि किसी किसी की स्किन ना ग्रीन रिफ्लेक्ट करती है अंदर से, ग्रीन और ब्राउनिश टाइप की, तो वो ऑलिव अंडरटोन होता है। ओके जी, लेकिन ये भी रेयरली ही मिलता है क्योंकि ज़्यादातर जो है वो वार्म या फिर कूल होते हैं। और न्यूट्रल अंडरटोन में भी काफ़ी लोग आते हैं, लाइक मैं खुद न्यूट्रल अंडरटोन में आती हूँ। जो न्यूट्रल अंडरटोन वाले हैं उनका जो है वो वीन भी मिक्स होता है, लाइक ब्लू और ग्रीन पर्पल का मिक्स होता है। ठीक है, आप अपने वीन चेक कर लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा अंडरटोन है। वैसे ये साइंस की क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वीन चेक करना पड़ेगा। ले जी, एक बार दूसरा एग्जांपल देती हूँ। अगर आप कूल अंडरटोन में यानी कि पिंक वाले टोन में आते हो, मैं आपके सामने पिक्चर भी चला रही हूँ, तो आप ना सिल्वर ज्वेलरी में बहुत अच्छे लगते हो, सिल्वर कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हो। ठीक है, अगर और आपकी वीन्स में, वीन्स का जो कलर होगा ना, उसका कलर भी ब्लू या फिर पर्पल होगा। चेक करने का तरीका मैंने बता दिया। अगर आप न्यूट्रल में हो तो आप पिंक और येलो दोनों का मिक्स हो, लेकिन आप में सिल्वर भी फेस पे अच्छा लगता है, गोल्डन भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप कोई सा भी कैरी कर सकते हो, मतलब ये नहीं है कि मुझे गोल्डन ही अच्छा लग रहा, सिल्वर अच्छा नहीं लग रहा, इस तरह से। ओके, अच्छा ये यहाँ पे ना बेज लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको वार्म अंडरटोन देख लें। ठीक है, ये वार्म अंडरटोन के लोग होते हैं जिन पर गोल्ड कलर की ज्वेलरी, गोल्ड कलर की चीज़ें काफ़ी सूट करती हैं, और इनके जो रिस्ट का जो वो वीन का कलर होता है ना, वो मोस्टली ग्रीन होता है। ठीक है, तो आप वो चेक करके देख लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद जो है मैं आपको एक व्हील दिखा लेती हूँ। ये है कूल, न्यूट्रल और वार्म अंडरटोन की व्हील है। ये स्किन टोन के हिसाब से जो है आप देख लें इसको ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इस तरह की फाउंडेशन के शेड होंगे तो वो जो है ना इन इन कैटेगरी में फॉल करेंगे, यानी कि इस अंडरटोन की कैटेगरी में फॉल करेंगे। हम फाउंडेशन ले भी आते हैं, हमारी स्किन से मैच भी करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ग्रे अजीब हो जाता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि आपने, अगर आप स्किन वार्म है आपने पिंक अंडरटोन वाली फाउंडेशन लगा ली होती है, आपकी स्किन न्यूट्रल है आपने येलो लगा ली होती है, अगर आपकी स्किन कूल है भी तो आपने येलो लगा ली, तो फिर वो फाउंडेशन अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आपके सामने सारे कलर्स हैं जो मैं शो कर रही हूँ, आप इनको ध्यान में अपने रख लें कि कभी भी आप फाउंडेशन बाय करें तो आप इस चीज़ को लाजमी ध्यान में रखें कि आपका जो फाउंडेशन है वो किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, किस अंडरटोन की कैटेगरी में आता है, जब आप उसको स्वैच करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये येलो है, न्यूट्रल है या क्या है। मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने फाउंडेशन के शेड को सेलेक्ट कर सकते हो। शेड को सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो अब आपके सामने मैंने फाउंडेशन के शेड्स को स्वैच किया है। अब आप जब भी जाओगे मार्केट में कहीं भी, तो आपने इस तरह से अपने फेस पे 3-4 शेड लगाने हैं। ठीक है, जॉ लाइन के ऊपर आपने लगाना है, थोड़ा सा चीक से लेके जॉ लाइन से नीचे तक आपने लगाना है थोड़ा सा फाउंडेशन। अपने फेस पे कुछ भी ना लगा के जाना, एंड जस्ट आपने उस फाउंडेशन को ब्लेंड भी करना है, ऐसे नहीं लगा के देख लिया, नहीं, ब्लेंड भी करना है फेस पे। ठीक है, अगर वो फाउंडेशन आपके फेस पे ब्लेंड ना हो, ठीक है, ब्लेंड होने के बाद एक पैच छोड़े, पैच यानी कि एक अजीब नज़र आए कि फाउंडेशन लगी हुई है, इट मीन वो आपका फाउंडेशन शेड नहीं है। अब ये कितने सारे मैंने लगाए हुए हैं, अब मैं इनको ब्लेंड भी कर रही हूँ तो एक पैच छोड़ रहे हैं, मैं महसूस हो रहा है कि कुछ लगा हुआ है, तो मतलब वो आपका फाउंडेशन शेड नहीं है। भले से वो डार्क में आता हो, भले से वो फेयर में आता हो, डार्क लगाओगे भी तो नज़र आएगा कि आपने कुछ डार्क लगाया, फेयर लगाओगे तो वो तो ऑटोमेटिकली नज़र आएगा। अब ये दूसरा फाउंडेशन है जिसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ, अपने फेस पे इसी तरह से ब्लेंड करना, थोड़ा सा बुरा लगेगा आपका फेस कुछ देर के लिए, लेकिन फाउंडेशन अच्छा आ जाएगा। तब आप ये देखें कि मेरा फाउंडेशन बिल्कुल गायब हो गया, स्किन को क्लीन कर दिया, गायब हो गया, और मैच हो गया मेरा बिल्कुल हाथों के साथ, बिल्कुल मैच हो गया। ठीक है, और ऐसा लग भी नहीं रहा कि कुछ उभरा उभरा सा लग नहीं रहा जैसे दूसरे लग रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है मेरी स्किन क्लीन हो गई है। सही है, इसी तरह से आपके फेस पे फाउंडेशन गायब हो जाना चाहिए, इट मीन वही आपका जो है वो राइट शेड ऑफ फाउंडेशन है। और अंडरटोन जो है वो आपको देखने में ही पता चल जाएगा कि ये येलो है या फिर क्या है। मोस्टली मेरे पास जो फाउंडेशन के शेड हैं वो येलो में आते हैं, क्योंकि मुझे येलो ज़्यादा पसंद है बनिस्बत पिंक के। ठीक है, अब देखें कि फाउंडेशन बिल्कुल गायब हो चुके। अब मैं आपके सामने लिक्विड फाउंडेशन को जो है वो करती हूँ ब्लेंड। अब ये वाला जो फाउंडेशन का कलर है ना, ये मेरी स्किन से मैच करता है, यानी हाथ की स्किन से मैच करता है। हाथ पे आपने कभी भी नहीं लगाना, क्योंकि आपके हाथ का कलर और आपके फेस का कलर डिफरेंट होता है।
तो आपने हमेशा अपने फेस पे लगाने, खासकर ये जो कान से पहले वाली स्किन होती है ना, कान के साइड पे जो स्किन होती है ना, यहाँ पे आपने लगाना है। यहाँ पे आपका फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। और ये देखें कि कितना येलोइश कलर है, ठीक है। तो ये मेरी स्किन पे, फेस पे तो सूट कर सकता है, लेकिन हाथों पे तो जारी सी बातें नहीं सूट करेगा ना। तो ये बात आपने याद रखनी है, कभी भी आपने फाउंडेशन जो आपके फेस पे उभरा हुआ हो नहीं लेना। लेकिन एक बात ये भी है कि फिर फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होकर डार्क हो जाते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फाउंडेशन की ऑक्सीडाइजेशन से बचा जाए, कि आपका फाउंडेशन जो है वो ग्रे ना हो, मतलब डार्क ना हो फेस पे। तो किस तरह से आप फाउंडेशन को सही से जो है वो मिक्स मैच करके अपने फेस पे लगा के एक बहुत ही खूबसूरत शेड बना सकते हो, ताकि आपकी बेस जो है वो डार्क ना हो, केकी और गंदी ना हो, ठीक है। ये देखें आपके सामने सारे शेड्स हैं, अब बताइए कि कौन सा शेड है। अच्छा, जो स्किन बहुत ज़्यादा सफ़ेद होती है उसको लाइट स्किन कहते हैं, जो हल्की सी सफ़ेद होती है उसको फेयर कहते हैं, जो कि बिल्कुल थोड़ा फेयर टाइप का ही होता है लेकिन ज़्यादा सफ़ेद नहीं होता तो उसको मीडियम कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद वाली कैटेगरी को ऑलिव कहते हैं, उसके बाद वाली कैटेगरी को टैन कहते हैं, और उसके बाद वाली को ब्राउन कहते हैं, और उसके बाद को डार्क ब्राउन, और उससे जो लास्ट कैटेगरी आती है कलर टोन की, फेस के टोन की, उसको हम ब्लैक कहते हैं, ठीक है। ये भी आपने कहीं मेंशन कर देना है, लिख देना है अपने नोटबुक पे कि किस तरह से कलर की आपने वो करना है, नाम रखने हैं कलर के, ठीक है। बात चलिए, मैं आपको अंडरटोन्स दिखा देती हूँ कि किस तरह से दिखते हैं अंडरटोन फेस के। तो ये जो है एक कूल है, एक न्यूट्रल है, एक ऑलिव है, एक वार्म है, ठीक है। कूल जो है वो पिंकी टाइप का लगता है, न्यूट्रल येलो और पिंक दोनों का टच होता है, ऑलिव ग्रीनिश टाइप का होता है, और वार्म जबकि येलोइश होता है, ठीक है। येलोइश, बिल्कुल येलोइश। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कुछ खा पी लिया करो, तुम पे तो खून ही नहीं है, तो ये वो वाली स्किन होती है, ठीक है। लेकिन वो नेचुरल होती है, लेकिन लोगों को लगता है कि जो है ना वो हमारी ऐसी होगी क्योंकि खून की कमी। अच्छा, अब जो वार्म अंडरटोन वाले होते हैं ना, ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। यहाँ की स्किन होती है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, सन का जो कलर होता है बिल्कुल वैसा उनका कलर होता है, बहुत गर्मी होती है, स्किन अंदर से येलो हो जाती है। उसके बाद जो कूल स्किन वाले हैं, कूल अंडरटोन वाले हैं, ज़्यादातर USA, UK, इंग्लैंड, थाईलैंड, जहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है यार, जैसे हो गई, सवाद टाइप हो गया इस तरह, ठीक है। और जो न्यूट्रल अंडरटोन वाले होते हैं वो कहीं पर भी होते हैं, ठीक है। दोनों जो मोस्टली आस्ड क्वेश्चंस है ना मुझसे कोर्स से रिलेटेड, के कोर्स कैसे ज्वाइन करें, कोर्स को ज्वाइन करने का कोई तरीका नहीं, बस यूट्यूब पर जो वीडियोस हैं कोर्स की वो आपने देखनी है, वॉच करनी है, ठीक है। और आपने जो है अपना फुल ध्यान लगा के नोट बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट लिखना ज़रूरी है, प्रेजेंट लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन एक्टिव होना और इस चीज़ को, अपनी प्रेजेंस को शो करवाना ज़रूरी है, वेदर आप तारीफ़ कर लें या कुछ सवाल पूछ लें, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट कब और कैसे मिलेगा, सर्टिफिकेट कोर्स के कम्प्लीट होने के बाद मिलेगा और जीमेल के थ्रू मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम नहीं हमारे पास, तो इंस्टाग्राम नहीं है तो फेसबुक पर आप मेरे मैसेज कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप अपनी जीमेल आईडी वहाँ पर मुझे देना, हम कोर्स के एंड में आपको आपका जो है वो सर्टिफिकेट भेजेंगे, ठीक है। कितनी क्लासेस होंगी, क्लासेस का कोई आइडिया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमने कवर करनी है, अभी हम फाउंडेशन पे आए हैं और उसके बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाएंगे, तो इसलिए अभी सब्र रखो। सर्टिफिकेट सबको मिलेगा, बस ईमानदारी के साथ कोर्स को पूरा देखें और समझें और जानें, कुछ सीख जाएं, बस मेरा ये मकसद। आज का क्वेश्चन है कि कूल अंडरटोन वालों की वीन्स किस कलर की होती हैं, और आप मुझे बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और समझ आइए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।